वंदे मातरम, भारत माता की जय। बड़े गर्व का विषय है कि भारत आज चंद घंटों बाद हम 2021 को अलविदा कहेंगे और हम 2022 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पंडित सुरजीत आजाद, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, लखनऊ से चलकर आज दिल्ली पहुंचा हूं। अपनी बेटी नीरा राय के आवास पर प्रवास पर हूं। मैं सभी भारतवासियों से, सभी युवाओं से, 135 करोड़ जनता को आने वाली 2022 नूतन वर्ष तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बच्चों, भारत में गुलाम देश में लोग कहा करते थे कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 में मेरे नौजवान, मेरे साथियों, मेरी बेटियों, मेरी मातृशक्ति, 135 करोड़ जनता को हाथ जोड़कर विनती है कि हम शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल जी, सभी भारत के शहीदों को, महापुरुषों को नमन करते हुए 2022 में मेरे युवाओं, हम संगठित होकर, एक संगठित होकर कार्य करने का एक दूसरा ही औचित्य है हमारा। भारत का परचम, हम विश्व में सूर्य भारत का अस्त नहीं होने देंगे।